नसीब अपना अपना, कोई हंसे तो कोई रोए। पीने का पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। छुआ और बुचिया को पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर। गांव में ना कोई नल ना कोई कुआं, ना स्कूल और ना ही कॉलेज। कोई बीमार पड़ जाए तो आफत। गांव में ना बिजली बत्ती, ना पक्की सड़क और ना ही कोई सरकारी इंतजाम। आज तक गांव में किसी नेता, अफसर, मास्टर का मुंह तक नहीं देखा। यह बदनसीब गांव है छरिया का गोलकडी दीपू धोड़ा। वर्षों बीत गए आजादी के। इस गांव में रहने वाले बूढ़ा बूढ़ी, औरत मर्द, जवान और बच्चों का एक ही दर्द। कब होगा उनका दुख दूर? आउटसोर्सिंग की वजह से दिन भर धूल ही धूल उड़ते रहता है। पास के ही कुछ गांव ऐसे जहां सारी सुविधा। बूढ़ा बूढ़ी को कोई पेंशन नहीं, कोई राशन नहीं। यह भेदभाव सा बर्ताव कमजोर तबके के लिए अभिशाप बन गया। सुनिए क्या बोले गांव में रहने वाले लोग। बहुत चीज समझती है यहाँ, पानी का, रोड का, स्कूल का। 25 साल में कभी भी कोई चीज नहीं मिला। कहा मिला नहीं, आता है नेता खाली वोट लेता है, लेके चल जाता है, दोबारा आता है कबल दे रहे कहा देगा। सुनते हैं बहुत 20 साल सुनिए, सुनते हैं कि दे रहा लेकिन अभी तक कोई कुछ सुविधा नहीं दिया। कोई सुविधा नहीं है, नेता लोग नहीं आता। हम सबको समस्या यही है पानी का, दिकेदारी है पानी का। और रास्ता बना दिया, एगो प्रोजेक्ट भी चार पट्टी घेर दिया है, गर्दा धूरी उड़ता है। यहाँ कोई भी देखने नहीं आता है कि पानी यहाँ कितना सुविधा है। कमाने की भी बहुत रास्ता था तो वो रास्ता बंद कर दिया। रोड भी नहीं है, बाल बच्चा स्कूल भी नहीं, हम लोग के पढ़ने बच्चा न जा रहा है। दूर में स्कूल है तो नहीं जाता है। तगड़ो टंकी लग रहा है, बड़का बड़का टंकी, तो वो टंकी कब से कब लगा दीजिए हम लोग के। पानी सप्लाई होगा बस्ती में आएगा तो सगरो लगला है, तो हम लोग के भी यहाँ बस्ती में लगवा देता बड़का टंकी होगा। कोहराम लाइव के लिए झरिया से सुचेत की रिपोर्ट।